ओडिशा के बालासोर में ट्रेन हादसे के बाद पश्चिम बंगाल की सरकार ने पीड़ितों को आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है। राज्य सरकार की ओर से पीड़ितों को आर्थिक मदद के साथ नौकरी देने की घोषणा भी की गई है। इसके साथ ही तृणमूल कांग्रेस की ओर से पीड़ितों को 2 लाख रुपए की आर्थिक मदद की घोषणा की गई है। आज राज्य सरकार ने पीड़ित परिवारों को 2 लाख रुपए देने की पहल भी की है, लेकिन यहाँ भी विवाद शुरू हो गया है और बीजेपी टीएमसी आमने सामने आ गई है। दरअसल पीड़ित परिवारों को टीएमसी सरकार ने 2000 रुपये नोट के बंडल दिए जो कि 2 लाख रुपए थे। अब सवाल यह है कि क्या ममता सरकार अपना 2000 रुपये के नोट का बंडल पीड़ितों को देकर खपा रही है। बंगाल भाजपा के अध्यक्ष सुकांत मजुमदार ने ये वीडियो ट्वीट किया और सवाल पूछा कि आखिर इन बंडलों के स्रोत क्या हैं? क्या टीएमसी अपने पास ब्लैक मनी के नोटों के बंडल को खपा रही है? सुकांत मजुमदार ने पीड़ित परिवारों को आर्थिक मदद देने की तृणमूल कांग्रेस की पहल की सराहना की, लेकिन इसके साथ ही ये सवाल उठाया कि क्या इसके माध्यम से टीएमसी अपने काले धन को सफेद कर रही है। आपको बता दें कि पिछले दिनों बालासोर में ट्रेन हादसा हुआ था जिसमें तकरीबन 300 लोगों की मौत हुई थी और हजारों लोग घायल हुए थे। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी घटनास्थल पर जाकर जायजा लिया था और अपने राज्य के मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए मुआवजा का ऐलान किया था। अब उसकी भी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बंगाल हेल्पिंग हैंड ट्रस्ट एक सामाजिक संस्था है और इसके फाउंडर शेख जुल्फिकार अली हमेशा लोगों के भलाई के लिए जमीनी स्तर से जुड़े हुए काम करते हैं। ये संस्था लोगों के जरूरतों को पूरा करने के लिए हर वक्त तैयार रहता है। ओडिशा के बालासोर में ट्रेन हादसे के बाद पश्चिम बंगाल की सरकार ने पीड़ितों को आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है। राज्य सरकार की ओर से पीड़ितों को आर्थिक मदद के साथ नौकरी देने की घोषणा भी की गई है। इसके साथ ही तृणमूल कांग्रेस की ओर से पीड़ितों को 2 लाख रुपए की आर्थिक मदद की घोषणा की गई है। आज राज्य सरकार ने पीड़ित परिवारों को 2 लाख रुपए देने की पहल भी की है, लेकिन यहाँ भी विवाद शुरू हो गया है और बीजेपी टीएमसी आमने सामने आ गई है। दरअसल पीड़ित परिवारों को टीएमसी सरकार ने 2000 रुपये नोट के बंडल दिए जो कि 2 लाख रुपए थे। अब सवाल यह है कि क्या ममता सरकार अपना 2000 रुपये के नोट का बंडल पीड़ितों को देकर खपा रही है। बंगाल भाजपा के अध्यक्ष सुकांत मजुमदार ने ये वीडियो ट्वीट किया और सवाल पूछा कि आखिर इन बंडलों के स्रोत क्या हैं? क्या टीएमसी अपने पास ब्लैक मनी के नोटों के बंडल को खपा रही है? सुकांत मजुमदार ने पीड़ित परिवारों को आर्थिक मदद देने की तृणमूल कांग्रेस की पहल की सराहना की, लेकिन इसके साथ ही ये सवाल उठाया कि क्या इसके माध्यम से टीएमसी अपने काले धन को सफेद कर रही है। आपको बता दें कि पिछले दिनों बालासोर में ट्रेन हादसा हुआ था जिसमें तकरीबन 300 लोगों की मौत हुई थी और हजारों लोग घायल हुए थे। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी घटनास्थल पर जाकर जायजा लिया था और अपने राज्य के मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए मुआवजा का ऐलान किया था। अब उसकी भी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बंगाल हेल्पिंग हैंड ट्रस्ट एक सामाजिक संस्था है और इसके फाउंडर शेख जुल्फिकार अली हमेशा लोगों के भलाई के लिए जमीनी स्तर से जुड़े हुए काम करते हैं। ये संस्था लोगों के जरूरतों को पूरा करने के लिए हर वक्त तैयार रहता है।